नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन डिप्लोमा कोर्सेज के फ्लूड मैकेनिक्स के अंतर्गत चैप्टर है सेंट्रीफ्यूगल पंप के सब टॉपिक मल्टी स्टेजिंग एंड प्राइमिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप में मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, मल्टी स्टेजिंग क्यों की जाती है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, सीरीज कनेक्शन क्या होता है, और अपन सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर प्राइमिंग क्यों करते हैं, इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हो गया मल्टी स्टेज इफ़ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंपेलर द पंप इज कॉल्ड मल्टी स्टेज। मल्टी स्टेजिंग का मतलब हो गया दो या दो से ज़्यादा इंपेलर अगर यूज़ कर रहे हैं अपन पंप के अंदर तो उसको बोलेंगे मल्टी स्टेज। वाई इट इज़ डन, मल्टी स्टेज इन सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डन फॉर, यानी कि अपन सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर मल्टी स्टेज करने की क्या ज़रूरत पड़ी अपन को, दो या दो से ज़्यादा इंपेलर यूज क्यों करते हैं। इसके दो मेन पर्पज़ है। फर्स्ट पर्पज़ हो गया टू प्रोड्यूस ए हाई हेड, अगर अपन को हाई हेड प्रोड्यूस करना है, और टू डिस्चार्ज ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड, या फिर लार्ज क्वांटिटी लिक्विड की डिस्चार्ज करवानी, यानी कि इसके दो मेन पॉइंट हो गए, हाई हेड प्रोड्यूस करना है या लार्ज डिस्चार्ज अपन को करना है, इसके लिए अपन मल्टी स्टेज करते हैं। अब ये पंप के पैरेलल और सीरीज कनेक्शन क्या होते हैं। अब फर्स्ट है पंप इन सीरीज। सीरीज कनेक्शन में क्या करते हैं अपन, इंपेलर जो पंप के दो या दो से ज़्यादा इंपेलर है उनको एक ही शाफ्ट पे अपन कनेक्ट कर देते हैं। एक ही शाफ्ट पे कनेक्ट करने से क्या होगा, हेड बढ़ जाएगा, हेड जो भी सबका इंडिविजुअल है वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, अगर सेम हेड है और अलग अलग है तो एडिशन हो जाएगा। और अगर हम सेम शाफ्ट पे इंपेलर को माउंट किया है तो उसका डिस्चार्ज सबसे सेम ही रहेगा। ये हो गया पैरेलल करने कनेक्शन, यानी कि फॉर हाई हेड एंड सेम डिस्चार्ज, फॉर प्रोड्यूसिंग हाई हेड वी माउंट द इंपेलर ऑन सेम शाफ्ट और इन सीरीज, यानी कि सीरीज के अंदर अपन इंपेलर को सेम शाफ्ट में माउंट करते हैं और इसके अंदर हेड बढ़ जाता है और डिस्चार्ज सेम रहता है। लेट अपन मानते हैं n बराबर नंबर ऑफ आइडेंटिकल इंपेलर माउंटेड ऑन सेम शाफ्ट और HM इक्वल टू के हेड डेवलप्ड बाय इच इंपेलर। अगर n टोटल इंपेलर है वो जो एक ही शाफ्ट पे माउंट है और HM हर इंपेलर के द्वारा जो हेड डेवलप्ड कर रहा है वो है, तो टोटल हेड इक्वल टू हो जाएगा n इंटू HM और डिस्चार्ज रहेगा सेम। ये हो गया पंप इन सीरीज के लिए। तो ये हमेशा ध्यान रखना, सीरीज के अंदर हेड बढ़ जाता है और डिस्चार्ज सेम रहता है। सेकंड है पंप इन पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शंस के अंदर क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन के अंदर अपन व्हेन इंपेलर आर माउंटेड ऑन डिफरेंट शाफ्ट और पैरेलल कनेक्शन, यानी कि डिफरेंट शाफ्ट पे अगर उनको माउंट किया है पंप को तो ये पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। और पैरेलल कनेक्शन अगर होगा तो सबका हेड तो सेम हो जाएगा और डिस्चार्ज सबका, अगर सबसे पंप से सेम डिस्चार्ज है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, अलग अलग है तो उनको सबको अपन ऐड कर देंगे, यानी कि पंप इन पैरेलल कनेक्शन फॉर हाई डिस्चार्ज एंड सेम हेड। व्हेन इंपेलर आर माउंटेड ऑन डिफरेंट शाफ्ट एंड पैरेलल कनेक्शन इट प्रोड्यूस लार्ज डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड और हेड रिमेन सेम। अगर अपन माने n इक्वल टू नंबर ऑफ आइडेंटिकल पंप अरेंज इन पैरेलल और q इक्वल टू अगर डिस्चार्ज फ्रॉम वन पंप देन टोटल डिस्चार्ज इक्वल टू n इंटू q और हेड रिमेन सेम इन पैरेलल कनेक्शंस।